भारत माता की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, सभी साधु संतों की। देखिए, हिंदू राष्ट्र तो स्थापना होगा। हिंदू राष्ट्र जब स्थापना हो रहा है, जब ऐसी भनक दुश्मनों को पता चलेगी, तब दुश्मन क्या करेगा? जब दुश्मनों द्वारा जब प्रहार होगा हिंदुओं पर, तो उस प्रहार का जवाब देने के लिए क्या हम लोग तैयार है? जैसे देखो, हमारे दो दुश्मन नहीं आने वाले समय में, तीन हो गए सॉरी। एक तो होगा जो देशद्रोही मुसलमान, दूसरा होगा जो हम हिंदुओं को कन्वर्ट करता है ईसाई, तीसरा होगा हमारा ही भाई सेक्युलर। ये तीन लोगों से हमें बहुत बड़ी बाधाएं आएगी आने वाले समय में। जब हिंदू राष्ट्र की स्थापना हो रहा है, जब पता चलेगा, तो ये तीन लोग बहुत विरोध करेंगे और हम पर हमला करेंगे। अभी का वातावरण देखिए, केरला में हिंदुओं पर हमले हो रहे या नहीं हो रहे हैं? केरला में हिंदुओं को जो लोग कार्य करते हैं उनको टारगेट करके मारा जा रहा है, वो भी किस प्रकार से? उनकी हत्या करके उनके बोरी में बन के समुन्द्र में फेंका जा रहा है, यानी लाश भी नहीं मिल रही है। बंगाल में हिंदुओं को मारा जा रहा है, बंगाल में 50 लाख से अधिक बांग्लादेशी मुसलमान आकर बस चुके हैं, तेलंगाना में 7,000 से अधिक रोहिंग्या बांग्लादेशी मुसलमान आके छुपे हुए हैं। ऐसे भारत देश के कई राज्यों में जो बाहर के जैसे बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान आके छुपे हुए हैं, उनको सपोर्ट वहां के लोकल मुसलमान कर रहे हैं। तो ये लोग ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं कि हिंदू राष्ट्र अगर बनेगा तो हम इस्लामिक राष्ट्र कैसे बनाएं भारत देश को। उनकी योजना प्रारंभ हो चुकी है, उनका प्रशिक्षण प्रारंभ हो चुका है। एक उनका व्यक्ति हमारे 10 पर भारी पड़े, ऐसी ये लोग योजना बना रहे, खुलेआम पेपरों में इनके स्टेटमेंट आ रहे हैं। हर साल 12 लाख मुसलमान नौजवानों को ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको तैयार किया जाएगा, इस प्रकार के इनके स्टेटमेंट आ रहे हैं। आने वाले समय में भले ही ये लोग नाम कुछ और दे रहे कि ये जो ट्रेनिंग हम दिए जा रही है देश की रक्षा के लिए दी जा रही है, ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन वास्तव में अगर हम इतिहास देखेंगे, कभी इन्होंने देश की रक्षा नहीं की है, देश को इन्होंने बर्बाद किया है, ये इनका इतिहास रहा है। मुगलों से हम इनका इतिहास देख सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? वैसे तो कई ऑर्गेनाइजेशंस अपने अपने राज्य में काम कर रहे हैं, तो मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगा कि हिंदू जन जागृति समिति के माध्यम से कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, ऐसे कई राज्यों में सभाओं का भी आयोजन किया जा रहा है। तो यहां पर तमाम यानी 29 राज्य के लोग यहां पर पधारे हुए हैं। मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि समिति और हम तैयार है आपके राज्य में आने के लिए, आप लोग योजना बनाइए। समय बहुत कम है हमारे पास, तो इसके लिए हम क्या करें? इसके लिए हमें त्याग की भावना चाहिए। अगर हम इतिहास देखेंगे, मैं सबको यही कहना चाहूंगा कि तेग बहादुर सिंह जी का इतिहास पढ़े, गुरु गोविंद सिंह जी का इतिहास पढ़े, संभाजी महाराज किस प्रकार से त्याग करे उनका इतिहास पढ़े कि त्याग क्या होता है, बलिदान क्या होता है, इनके इतिहास समय पड़ा पता चलेगा। फर्स्ट टाइम हर किसी को कार्य करते हुए डर लगता है, लेकिन साधना भक्ति इसमें शक्ति है। साधना करो और कभी भी जिंदगी में डरो मत मेरे हिंदू भाइयों। और बता रहा हूं ना मैं, समय बहुत कम है और ये कम समय में हर राज्य में हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए एक फौज बनाने की आवश्यकता है। एक फौज हम तैयार है, बस आपको तैयार होने की आवश्यकता है। बस आप बुलाइए, हम आएंगे आपके पास। जय श्री राम, भारत माता की जय। भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। जय श्री राम, जय श्री राम। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करके